तो आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं जो कि आशा पावर का रोवर 1250 12 वोल्ट का MPPT सोलर इन्वर्टर है। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, क्या इसका प्राइस रहने वाला है, क्या इसके स्पेसिफिकेशन रहने वाले हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ, बट फ्रेंड आज हम एक बार फिर से देखेंगे और जो इसका प्राइस है साथ में किस प्राइस में ये रहने वाला है और क्या इसके स्पेसिफिकेशन रहेंगे और कब तक ये आने वाला है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं आशा पावर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम देखते हैं कि इस इन्वर्टर के बारे में कुछ जानकारी अवेलेबल है या नहीं है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो रोवर सीरीज़ के इन्वर्टर है यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे रोवर सीरीज़ के इन्वर्टर दिए गए हैं, बट ये सारे के सारे इन्वर्टर 24 वोल्ट के इन्वर्टर हैं। इनमें कोई भी 12 वोल्ट का इन्वर्टर नहीं है। देखिए ये 2500 HV जो कि 24 वोल्ट का इन्वर्टर है और सारे के सारे फ्रेंड 24 वोल्ट के इन्वर्टर हैं। तो देखिए, अगर आगे हम चलते हैं फ्रेंड, यहाँ पे देखिए कुछ भी 12 वोल्ट के इन्वर्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड, जो स्पेसिफिकेशन मैंने बताए थे, क्या वो स्पेसिफिकेशन सही है या गलत है, अब आपके मन में ये भी विचार आ रहा होगा। साथ ही कितना इसका प्राइस होगा और क्या ये सच में आएगा या नहीं आएगा ये इन्वर्टर जो रोवर 1250 है। देखिए, सबसे पहले फ्रेंड हम डाउनलोड में जाते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर फ्रेंड रोवर 1250 इसके बारे में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर अगर हम कोड डालते हैं 1428, देखिए दोस्तों हमने कोड डाल दिया है जो कि ये कोड मांग रहा था 1423 है, सॉरी 1423। देखिए दोस्तों हमने ये कोड डाल दिया है। अब देखिए हम यहाँ पे देखिए डाउनलोड कर लेते हैं इसको एक बार। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर ये कुछ टाइम लगेगा इसको डाउनलोड होने में, और देखिए फ्रेंड फाइनली ये डाउनलोड भी हो गया है, आशा पावर रोवर 1250। देखिए फ्रेंड, बिल्कुल डेफिनेटली ये जल्दी ही आशा पावर की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा क्योंकि इसका मैनुअल डल गया है और जो हमने फ्यूचर बताए थे वो सेम ही है। 12 वोल्ट 1250 VA का इन्वर्टर है, 60 एम्पियर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है और इसकी VOC 120 वोल्ट तक है और फ्रेंड 1200 वाट के पैनल ये सपोर्ट करता है और ग्रिड चार्जिंग करंट जो मैक्सिमम है वो 15 एम्पियर है। और ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड, इसमें CRGO का यूज़ किया गया है और नो लोड करंट 0.7 से, मतलब कि यहाँ पे लगभग 0.4 से 1 एम्पियर तक होगा और काफ़ी ज़्यादा इसकी PV वोल्टेज है। 24 वोल्ट के पैनल भी आप सीरीज में लगा सकते हो और 1000 वाट तक का लोड फ्रेंड इससे आराम से चला सकते हो, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अगर देखिए स्पेसिफिकेशन की हम बात करें, यहाँ पे 1200 वाट के पैनल सपोर्ट है, सिंगल बैटरी पे काम करेगा, 120 वोल्ट यहाँ पे मैक्सिमम सोलर चार्जिंग करंट को आप सेट कर सकते हो 60 एम्पियर तक, 60 एम्पियर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर, यहाँ पे पावर लॉस दिया गया है, नो लोड बैटरी पावर कंजप्शन 0.7 प्लस माइनस 0.3 एम्पियर और जो ग्रिड चार्जिंग करंट है उसको 4 एम्पियर से 20 एम्पियर तक आप सेट कर सकते हो। और फ्रेंड देखिए, काफ़ी ज़बरदस्त इन्वर्टर है ये। और यहाँ पे देखिए पैनल कनेक्शन भी दिखाया गया है, किस प्रकार आपको पैनल का कनेक्शन करना है। देखिए यहाँ पे 540 वाट के दो पैनल सीरीज में लगा रखे हैं, तो फ्रेंड दो और 1080 वाट के पैनल हमने इस पे लगा लिए और एक 200 H की बैटरी लगा रखी है, इस प्रकार आप इसके कनेक्शन कर सकते हो। और यदि 37 वोल्ट VOC के पैनल है तो 3 पैनल भी इसमें सीरीज में लग जाएंगे। तो दोस्तों ये थे इसके सारे स्पेसिफिकेशन और फ्रेंड आपको कमेंट करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। देखिए जो सोलर चार्ज कंट्रोलर्स के भी MPPT मैक्सिमम VOC 90 वोल्ट, मैक्सिमम MPP पैनल लोड 1200 वाट, 60 एम्पियर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है और यहाँ पे LED इंडिकेशन। देखिए फ्रेंड, तो ये फ्रेंड इन्वर्टर की सारी स्पेसिफिकेशन मौजूद है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, जल्दी ही ये आशा पावर की वेबसाइट पर देखने को हमें मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रेंड, क्योंकि जल्दी ही ये आशा पावर की वेबसाइट पर मिलने वाला है और फ्रेंड आपको गेस करना है कि इसका प्राइस क्या रहने वाला है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ ये वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में कमेंट करना ना भूलिए कि इसका प्राइस कितना रहने वाला है लगभग।